दुख तो होता ही है, लेकिन हर साल आते हैं, अच्छा लगता है, हंसते खेलते हैं। हाँ, माँ का आना एक बहुत खुशी का दिल लगता है, और माँ का जाना एक भाव, मतलब भावुक हो जाता है इंसान। ये मांगा है कि माँ जैसे हंसते खेलते आप जा रही हैं, उसी तरह हंसते खेलते अगले बार फिर से आइएगा, और पटना के शहर वासियों का कल्याण कीजिएगा, समाज का कल्याण कीजिएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। आज नवरात्रि का आखिरी दिन यानी नौवीं है। आपको बता दें कि आज माता को नमाखों से सभी भक्तजन विदा करेंगे, क्योंकि आज माता का आखिरी दिन है और तमाम भक्तजन जो है माता के पंडाल पहुंच रहे हैं और माता के आखिरी दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद माता की पूजा नहीं होगी, सिर्फ दर्शन किए जाएंगे। तो आइए भक्तों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से भक्तों में उदासी छाई हुई है, क्योंकि माता का आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है, माता का नवमी है, ऐसे में माता को क्या हंसते खेलते विदा करेंगे या फिर नमाखों से? नहीं, हंसते खेलते विदा करना चाहिए। अच्छा, विदा करना चाहिए। कैसा लग रहा है आज माता जा रही है तो? दुख हो रहा है? दुख तो होता ही है, लेकिन हर साल आते हैं, अच्छा लगता है। तीन अच्छा दिन का दशहरा होता है। अच्छा, आप फास्ट रखी थी? नहीं। अच्छा, वैसे पूजा बुआ के साथ आए पूजा करने। अच्छा, क्या मांगा इस बार आपने माता से? हम मांगे बता ही देंगे तो पूरा कैसे होगा। अच्छा, थोड़ा हिंट ही दे दीजिए। हिंट क्या? पढ़ाई से रिलेटेड। पढ़ाई से क्या लग रहा है माता का जो आखिरी दिन है और आज माता जा रही है, ऐसे में माता को कैसे विदा करेंगे, हंसते खेलते या फिर थोड़ा दुख जताकर? हंसते खेलते। अच्छा, तो इस बार क्या मांगा आपने माता से? कि सब अच्छे से हो जाए। क्या अच्छे से हो जाए? पढ़ाई। पढ़ाई लिखा है। अच्छा, और कुछ? और ऐसा कुछ नहीं मांगा। कैसा लग रहा है आंटी, आज माता का आखिरी दिन है, ऐसे में आज माता जा रही है? हाँ, ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। तो माता को हंसते खेलते विदा कर देंगे? हाँ, तो माही के लिए तो हम कल अष्टमी किए निराधार। अष्टमी की थी? हाँ। अच्छा। और कि सबकी आयु लंबी हो परिवार की, बस इसी की कामना के लिए। माता से यही कामना की सबकी आयु लंबी हो और सब खुशी। क्या मांगी आप माता से? मैंने अपने बच्चों के लिए सुख शांति मांगा है, और ये मांगा है कि माँ जैसे हंसते खेलते आप जा रही हैं, उसी तरह हंसते खेलते अगले बार फिर से आइएगा, और पटना के शहर वासियों का कल्याण कीजिएगा, समाज का कल्याण कीजिएगा, और समाज में शांति बनाए रखिएगा। क्या मांगी इस बार चाची माता से? माँ से मांगे कि बढ़िया साल गुजरे, कि बढ़िया से हम अच्छी करें। अच्छा। फिर आए दर्शन करे लगी। हाँ। सब कुछ बढ़िया रहे। अच्छा, आखिरी दिन है, दुख तो हो रहा होगा। हाँ, आखिरी तो है कि 9 दिन सेवा किए, आवाज अच्छी हो गया, जा माता छोड़ के, माता छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वही आशीर्वाद मांगते कि एक साल बढ़िया गुजरे, कि फिर आवे माँ, सब कुछ अच्छा रहे। ऐसा लग रहा है मैम, आज माता का आखिरी दिन है और माँ जा रही है आज। हाँ, माँ का आना एक बहुत खुशी का दिन लगता है, और माँ का जाना एक भाव, मतलब भावुक हो जाता है इंसान, और लगता है फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग इनके लिए वेलकम करने के लिए एक टाइम बनाएंगे, फिर आएगा, फिर समय होगा। तो इसीलिए आज अंतिम दिन है, तो थोड़ा दर्शन के लिए माता का सुबह से हम लोग लगे हैं। तो हंसी खुशी विदा कर देंगे? हंसी खुशी विदा करने के लिए माँ को, ताकि अगले साल फिर से आए, हम लोग को खूब सारी आशीर्वाद दे, और अच्छा हेल्थ स्वभाव, मतलब सुख शांति सबके घर में भरा रहे, यही आप सब काम। आज माता का आखिरी दिन है और माता आज जा रही है। बहुत दुखी है, मन काफ़ी दुखी है, इसीलिए हर उल्लास के साथ यहाँ मनाया जाता है। और इसके बाद यहाँ है कि हर महीने सबसे ज़्यादा भीड़ अंबार लगी रहती है, सबसे ज़्यादा, और पहले भी यहाँ पर भीड़ थी, आज भी है, और यहाँ कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। हम लोग जो है कार्यकर्ता ही हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोग एक्टिव रहते हैं सब लोग। कैसा लग रहा है मैम, आज आखिरी दिन है माता का और माता आज जा रही है? हाँ, मतलब हर साल आती हैं तो काफ़ी खुशी भी है, और साथ ही साथ हर साल की तरह इस साल भी बहुत दुख भी है, बट ईगली वेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। हर साल हम लोग यहाँ आते हैं और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। अच्छा, अच्छी व्यवस्था लगती है? हाँ, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, कैसा कोशिश करती है पूरी। अच्छा।
मजा। कैसा लग रहा है मैम कि आज माता का आखिरी दिन है और माता जा रही है, तो हंसी खुशी विदा करेंगे? बिल्कुल प्रेम श्रद्धा भक्ति भाव से हम लोग आते हैं और विश्वास है कि जो चाहते हैं वो पूरा हो, तो पूरा ही भावना रहता है, पूजा की भावना होती है। और कहा भी गया यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसी भक्ति होगी, तो यही विश्वास है कि सारा जो सोचे हैं वो सारा कुछ पूरा हो, इसी विश्वास के हम पूजा करने आते हैं। अच्छा, इस बार माता आई तो क्या मांगी आप माता से? वो तो नहीं बतलाएंगे, पूरा होगा तभी बताएंगे। थोड़ा बहुत ही कुछ हिंट दे दीजिए। बहुत सारी बात है, एक बात थोड़ी ही है, बट है विश्वास है तो पूरा होगा ही, पूरा होगा। हाँ, और हर साल होता है, जो सोचते हैं और श्रद्धा से पूजा करते हैं तो पूरा। तो देखिए, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम भक्तों से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि माता के आने से खुशी तो होती है, लेकिन माता जा रही है इसका दुख भी है, लेकिन हम कामना करेंगे कि माता इसी तरह हर साल आए और हर साल हमारी मनोकामनाएँ पूरी करें। आप किस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।